हेलो ई वन वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आइडल्स पॉडकास्ट ऑन एक्सपीरियंसेस सी वी हैव आवर नेक्स्ट आइडलाइट हु इज फ्रॉम चिपलून ऑफ महाराष्ट्र ओके एंड इज निस महेश पवार हेलो महेश वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट ऑन एक्सपीरियंसेस आई गेस सी आपका पहला पॉडकास्ट रहेगा पता क्या नहीं इसके पहले आपने पॉडकास्ट दिया है कि नहीं किया एंड okay. आप चिपलून सिटी से आए हो ओके okay. जो एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है महाराष्ट्र का एंड uh, मुझे ओबली आपकी सिटी के बारे में तो जानूँगा लेकिन उससे पहले मैं आप, आ, आपका नो एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि कैसा रहा है आपका आज जर्नी अभी तक आइडल्स स्पे पर स्पेशली बिकॉज आई गेस आपने हमारा अप्रैल बैच जॉइन किया था ओके okay, जो एक तरह से हमारा वेकेशन बैच बोलना बोल सकते एंड मैं uh, uh, बहुत सारे आई गेस एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर लेकर आए बिकॉज आप एक ख़ुद uh, एक आ, प्रोफेशनल डांसर हो साथ साथ एक टीचर भी हो आपका खुद का स्टूडियो है चिपलून में जो आप ऑपरेट करते ओके, एंड वो छोड़ के आप यहाँ पे आए हो ओके जस्ट टू गेन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ओके सो मुझे आपका एक्सपीरियंस जानने से पहले ओके मैं बहुत सा, बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे लेकिन uh, पे, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि uh, आपको आइडल्स के बारे में पता कैसे चला सर आइडल्स के बारे में मुझे लॉकडाउन में पता चला आ, नया ही मतलब अपने ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर कर रहे थे जो काफ़ी मतलब जो लॉकडाउन में लैक कर रहे थे स्टूडेंट उनको ज़रिया नहीं था कुछ सीखने का तो आपने एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करे आगे जाके तो मुझे वो बच, अच्छा बहुत अच्छा लगा और आपके आ, मतलब सेशन भी रहते थे कम्युनिकेशन के जो डांसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे तो वो सेशन मैंने एक बार अटेंड किया था तो वो सेशन में मुझे काफ़ी हेल्प किया था आ, कुछ चीज़ें सीखने के लिए और मैं बहुत चाहता था कि लाइव एक्सपीरियंस करूं लेकिन आ, जब आइडल्स ऑफलाइन हो गया तो मुझे बहुत सीखने की चाहत होती थी लेकिन कभी आ नहीं पाया मतलब मेरे जो उधर क्योंकि मेरी फैमिली तो मुझ पर ही निर्भर करती है पूरी तो मैंने अभी एक ऐसा डिसीजन कर लिया कि कुछ अरेंजमेंट करके फुल प्लानिंग करके एक साल दो साल में धीरे धीरे मैं अरेंजमेंट करके अभी इस वेकेशन बैच में मैं आ गया सर इस तरह मुझे आइडल्स का पता चला ओके okay, सो so आप पहले से आइडल्स ऑनलाइन सीख रहे सर, थे दैट्स वंडरफुल महेश बहुत अच्छा लग रहा है जान के एंड कि आपने हमारा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अटेंड कर रहे थे एंड उसके बाद आपने जब भी हम ऑफलाइन भी हमने स्टार्ट किया तो आपने डिसन लिया कि हमारा ऑफलाइन कोर्स भी करने के लिए ओके सो तब से लेके अब तक आपका सफ़र कैसा रहा लाइक हाउ आपका जर्नी कैसा रहा अभी तक जर्नी सर मतलब आ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं मतलब अमेजिंग रहा मतलब लाइफ में मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा मेरी ये जर्नी आइडल जो कि मैं कभी नहीं भूलूंगा मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मतलब मैं बारह या पंद्रह साल से टीचिंग कर रहा हूँ या डांस सीख रहा हूँ दोनों कर रहा हूँ साथ, साथ में लेकिन ऐसी जर्नी मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं की थी कि ये मेरे लाइफ में कभी ऐसा होगा क्योंकि मैं डांस सीखते सीखते खुद ही टीचिंग करने लगा मतलब मेरे पास इतना मतलब इतने ज़रिए नहीं थे टीचिंग के वहाँ मतलब राइट नॉलेज नहीं था या सही गाइडेंस नहीं मिलता था इसलिए काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत स्लो हो रही थी मेरे लाइफ में तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा बोलूँगा लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत मिला उस टाइम लेकिन कहीं मैं बहुत स्लो जा रहा था और काफ़ी डांसर बहुत आगे जा रहे थे तो मुझे वो दिख रहा था डिफरेंस बहुत डिफरेंस दिख रहा था और ये डिफरेंस फुलफिल करने के लिए मुझे आइडल्स बहुत हेल्प किया है अगर जो आइडल्स ने मुझे यहाँ प्रोवाइड किया है ना मुझे लगता है कि मैं अगर सही आ, सही ट्रैक पे हूँ ऐसा मुझे अभी लगा मतलब ऐसा लगा कि आइडल्स मेरे लिए एक आइडल्स मेरे लिए बना था और मैं इसके लिए ही आया था मतलब यही मेरे लिए ही वेट कर रहा था ऐसा लग रहा था अभी यहाँ आने से मुझे ऐसा फील हो रहा है सर दस बहुत अच्छा लग रहा है के जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना आपका जर्नी के बारे में बिकॉज़ यहाँ पे आपने सिर्फ हमारा ड्वेल्थ कोर्स ही नहीं आपने बीच में हमारा शब्द कला भी ज्वाइन किया था yes. सो आप जितना हो सके यहाँ पे आप नॉलेज गेन करने का नो नॉलेज गेन करने को देख रहे हो कि जितना भी जब तक आप ही हों यहाँ पे, बिकॉज मैं भी समझता हूँ कि आपके पास भी काफ़ी जिम्मेदारी है नो आ, आ, आपको आ, वहाँ पर जाके आपको वापस स्टूडियो संभालना आपका फ़ैमिली को देखना लेकिन तो आप ये सारी चीज़ों को नो देखते हुए आप यही टाइम पे आप जितना नॉलेज गेन कर रहे हो वो करने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है महेश एंड uh, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करना चाहूँगा बिकॉज आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस टीचर हो है नो एंड ये मैंने खुद से ऑब्जर्व किया जब भी आप जिस तरह से पी में आप कंडक्ट करते थे ठीक है सो जब भी ऑब्वियस मैं आपके डांस ट्रेनिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं पी आई टी पी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ क्या आपको लगा था कि पी आई टी पी स्टार्ट होने से पहले राइट पी आई टी पी हमारा स्टार्ट होने से पहले कि आ, आपको क्या लगा था ये कोर्स के बारे में क्या क्या होने वाला है सर सर मुझे मतलब पी आई टी पे एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है मुझे पता चला था लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था मुझे लगा कि मतलब इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के मतलब टीचिंग कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे शायद ऐसा मुझे लगा था लेकिन इधर आने के बाद मुझे तो मतलब आ, मैं स्कूल में थोड़ा स्टडी में थोड़ा वीक हूँ मुझे ज़्यादा ऐसे लेक्चरर ऐसे पसंद नहीं बहुत बोर हो जाता हूँ लेकिन पी एक ऐसा कोर्स है जो आ, मतलब हर कुछ नया मतलब हर कुछ क्रिएटिव मतलब जो इतना अच्छा मतलब कुछ नया चीज़ें सीखने मिलती है हर कुछ नया मतलब आज आऊँगा ना तो मुझे ढाई घंटे तीन घंटे कैसे पता चल रहे पता ही नहीं चल रहा तीन घंटे सेशन कब खत्म हो रहे पता नहीं इतना मतलब फोकस हो के हम सुनते जो सर बात कर रहे बहुत अच्छे से मतलब उनका ट्रेनिंग करने का मेथड बहुत सही था मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब हर कुछ नया मुझे सीखने मिल रहा था और ये मतलब मेरा मन है ना बहुत ऐसे मतलब हंगरी हो रहा था कि आज कुछ नया मिलेगा आज कुछ नया मिलेगा अरे ये तो चीज़ें मेरे को पता भी नहीं थी अरे ये बहुत चीज़ें ये मुझे चाहिए किधर थी किधर था मैं अभी तक जो मैं इस चीज़ से बहुत दूर था वो ये आ, ये पी आई टी पी बहुत हेल्प किया ये ट्रेनिंग में ओके okay, मतलब आ, आपका एंथ्यूजम अच्छा आ, न, देख के अच्छा लग रहा है कि आप में वो एक नो क्वेस्ट था कि हाँ मुझे हर दिन कुछ नया नया सीखना है करके आ, सो so, uh, जैसे कि आपने आप, हमारा ट्रेनिंग ऑब्जर्व किया पी आई में बिकॉज पी आई सिर्फ आपका टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है बट बेसिकली वो सारे स्किल्स नो uh, 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 वो सारे स्किल्स हमने हमारे उस कोर्स में रखा है ताकि आप खुद को इंडिपेंडेंट बना सको एज अ डांसर एज़ वेल एज एज अ टीचर जो आज काफी काफी okay, के ज़माने काफ़ी ज़रूरत है ठीक है बिकॉज आप किधर भी जाओगे आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते आज के ज़माने में खुद का करियर कैसे है? खुद से बिल्ड करना है वो आना चाहिए एंड खुद से अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करना है वो आना चाहिए आप किधर और अपर्चुनिटीज लेके भाग नहीं सकते वरना वहाँ पे लोग शायद आपका यूज़ करके किधर भी चले जाएंगे एंड आपको पता भी नहीं चले तो यहाँ पे हम आपको वो चीज़ें सिखा रहे जो जिससे आप नो खुद से इनिशिएटिव ले सकते हो कि नो मैं खुद से कैसे मेरे पैरों पर पे खड़ा हो सकता हूँ या फिर बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगी कैसे आप खुद का काबिलियत बढ़ा रहे हो ये ओके सो डे वन में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिखाए थे पी आई टी पी के ओके सो आफ्टर कंप्लीटिंग यू नो पी आई टी पी एज वेल एज इंटर्नशिप कितना यू नो प्रॉब्लम्स ना आपका ओवरकम हुआ या फिर रिजॉल्व हुआ है बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपको काफ़ी चैलेंजिंग लगती थी ठीक है बिकॉज़ कहीं जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा नो कमांड ओवर द लैंग्वेज थोड़ा सा वीक है ओके okay. लेकिन फिर भी आपने वहाँ पर गिव अप नहीं किया नहीं। आपने यू नो आपका डेडिकेशन दिखाया है उस चीज़ को करने के लिए इवन ड्यूरिंग इंटेंशन में भी आपको काफी दिक्कत हो रहा था कॉन्टेंट क्रिएशन में कैसे करना है लेकिन फिर भी आप वो चीजें कंसिशनली करते जा रहे थे सो yes. okay? so, ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए आपका कितना हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है सर uh, मेरा प्रॉब्लम मतलब uh, बहुत मतलब मैं बोलूंगा कि मेरे uh, मेरे uh, मेरे लाइफ में 80 परसेंट तक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व 80 90 परसेंट भी बोल सकते हैं सर इतना मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है Uh, मतलब सर मुझे पब्लिक uh, के साथ कैसे बात करने लोगों के साथ कैसे बात करने मुझे आइडिया नहीं था मैं बहुत डरता था मतलब कॉन्फिडेंस कम रहा था फियर वो था कहीं ना कहीं फियर था वो मेरे में था वो मुझे मुझे बहुत ओवरकम हो हो रहा है ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ ना जहाँ भी वो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा हूँ एक नया ही कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है मेरे में वो पता नहीं क्या चीज़ है वो पी आई टीपी ने ही मेरे वो फिलफिल किए वो कॉन्फिडेंस मतलब इतना बूस्ट हुआ है कॉन्फिडेंस मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल किसी के साथ अच्छे से बात करना आप खुद को कैसे मार्केट करना है आपको आपका आ, ग्रास्पिंग पावर कैसे बिल्ड करना है ये सारी चीज़ें मुझे पी आई में बहुत हेल्प की और मैं वो चीज़ें मेरे में ग्रोथ होते हुए देख रहा हूँ धीरे धीरे से दैट्स रियली नाइस महेश बहुत अच्छा लग रहा है आपने वो सब चीज़ें तो आप नो तो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा uh, teacher, है नॉट ओनली एज अ टीचर बट ऑल्सो एज अ पर्सन जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा ओके okay. uh, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक फेबल्स डांसर ऑलरेडी हो राइट right? कि okay, आपका डांसिंग काफ़ी अच्छा है एंड सो so, हमारा ट्रेनिंग पी ए डी पी में जब आपने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया तो उससे आपको कितना फायदा हो रहा है आपके नो डांस ट्रेनिंग को अपग्रेड करने के लिए या फिर आपके डांसिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हाँ सर डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट फ़ायदा हो रहा है मतलब कुछ चीज़ें तो मैं पहले से कर रहा था आ, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मतलब थर्टी फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट तो कर रहा था चीज़ें लेकिन मैं रॉन्ग चीज़ें कर रहा था बहुत चीज़ें मैं तो रॉन्ग चीज़ें कर रहा था मतलब आ, सही ट्रेनिंग नहीं था सही गाइडेंस नहीं था यूट्यूब से भी उतना कुछ नहीं मिलता सही गाइडेंस से हंड्रेड परसेंट कोई नहीं ट्यूटोरियल इतना ही करता पूछ कर पूछ अपलोड करते लेकिन आ, मुझे यहाँ सही टेक्निक सही राइट नॉलेज से आ, बहुत कुछ सीखने मिला और यहाँ के टीचर का एक्सपीरियंस है मतलब टीचर का जो हर एक का ट्रेनिंग मेथड है वो अलग है और बहुत कुछ हर एक पर्सन से और हर एक टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और काफी एक्सपीरियंस टीचर है वो दिखता है उनके टीचिंग मेथड से मतलब सब, सब, मैं मतलब उन, काफी इंस्पायर हुआ हूँ आपका कला शब्द, सर मतलब एक मतलब आ, मेरा एक पूरा माइंड खोल के रख दिया है मतलब एक आ, मतलब कला करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आ, मैं फुल ओपन हो गया हूँ मतलब मेरा माइंड फुल ओपन हो गया है अभी मुझे जो एक ट्रैक मिला है उस ट्रैक्स को मैं लेके कैसे जा रहा हूँ ना सिर्फ मंजिल को पाना है बस अभी तो सर ने मुझे इतना अच्छा सा ट्रैक मतलब एक रोड बना के दे दिया है उस रोड पे चलो आप और आपकी मंजिल आपके सामने है अगर वो रोड से मैं सही से मैं मेहनत करके आगे जा रहा हूँ तो मैं हंड्रेड परसेंट मुझे ऐसा मतलब आ, सर है ना ऐसे ऐसी जान डाल देते ना मतलब ऐसे मूर्ति में ऐसे जान डालते बोलते ना कि वो मूर्ति भी एक इंसान बन जाती है वही से मतलब अविनाश सर है जो उन्होंने ऐसे फूक मार दिया और मेरे में जान आ गई ऐसे बोल सकते हैं और अविनाश सर और शिजिन सर ऑलवेज मेरे अच्छे टीचर रहेंगे लाइफ टाइम बहुत कुछ सीखने मिला इनसे और अविनाश सर है ना जो एक मतलब एक डांसर को डांसर नहीं बनना है डांसर का, का काम तो सब लोग कर रहे जो पूरा मतलब भीड़ के डांसर नहीं बनना है कुछ अलग पहचान करके हमको बनना है मतलब खुद की आइडेंटिटी एक आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट बनना है मतलब आइडल्स uh, मत आइडल्स uh, बता रहे कि आपको एक आर्टिस्ट कैसे बनना है एज ए इंडिपेंडेंट जो मतलब पूरा आपको मतलब इंडिया अगर एज अ डांसर से मत जाने अगर कुछ इंडिया सीखना चाहते तो आपसे सीखना चाहते हैं क्या है आपके क्या का, आपका आपका काबिलियत तो आप कैसे क्रिएटिव खुद का निर्माण कर, कर सकते हो ये यह चीजें यहाँ बहुत सीखने मतलब कला तो पूरा मतलब बूम था मेरे लिए बूम था बहुत अच्छा लग रहा है जान के बिकॉज हमने कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ पे आपको uh, सिर्फ डांस नहीं बेसिकली यहाँ पे आप हर एक चीज़ों पे चैलेंज कर, uh, कर रहे हो एज अ डांसर जो आपके आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है एंड बिकॉज डांस तो डेफिनेटली सब चीज़ें करते हैं लेकिन उतना इन इनडेप जाके कैसे हर एक चीज़ों को टच करना है वो बहुत ज़रूरी है एंड जितना आपका लर्निंग अच्छा रहेगा उतना आप उस लर्निंग को आपके डांसिंग में अप्लाई करोगे एंड उससे ही आपका नॉलेज बढ़ेगा एंड आपका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ेगा ओके एंड आई होप ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप अप्लाई कर रहे हो जैसे आपने बोला कि आपका माइंड ओपन हुआ है तो आप डेफिनेटली आपके कोरियोग्राफी या फिर आपके डांस ट्रेनिंग में उस चीज़ को अप्लाई करो ताकि आप ग्रोथ देख पाए आपके डांसिंग में ओके yes, सो okay, so, uh, इस सब चीज़ें uh, लाइक like, करते हो इतना सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद आपको आइडल्स का ट्रेनिंग ट्रेनिंग मेथड्स कैसे लगा अभी तक मेथड आइडल्स का जो है वो काफी मतलब सोच समझ कर डिजाइन किया हुआ है मतलब बच्चों को बच्चों को किस टीचर से सीखना चाहिए एक मतलब वो टीचर कौन से होने चाहिए एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए और उनका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है बच्चों को कैसे ग्रोथ ग्रोथ करने में और बहुत अच्छा अच्छा था टीचिंग मेथड मतलब हर एक स्टूडेंट को जो भी मतलब बिगनर रहेगा या इंटरमीडिएट रहेगा या एडवांस रहेगा हर हर एक स्टूडेंट पे ध्यान देता है आइडल्स और अगर बिगनर रहेगा तो उनको काफ़ी लैक करते वो प्रोसेस में तो आइडल्स मतलब टीचिंग मेथड इतना अच्छा है कि वो हर एक को पकड़ पकड़ के सिखाते हैं कि ऐसा करना है और इतना मतलब दो घंटे तीन घंटे की क्लास चलते इतना पेशेंस रख के सिखाते ना मतलब अगर कोई टीचर रहेगा तो आ, मतलब आ, आ, फायर भी कर देगा मतलब चिल्लाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता आइडल्स में ऐसा कोई लेकिन इतना सुंदर मतलब इतना ब्यूटीफुल तरीके से सिखाते ना टीचर मतलब मुझे अमेजिंग लगा और मैं हर एक टीचर से बहुत इंस्पायर हो गया हूँ जो मैं कहीं चीज़ें लैक कर रहा था है अपने टीचिंग में तो मुझे कहीं ना कहीं उन से सब टीचर से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है बहुत अच्छा ट्रेनिंग था और बहुत अच्छा टीचिंग टीचिंग मेथड था उनका थैंक यू सो मच महेश हमारे टीचिंग मेथड्स के बारे में बताने के लिए ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस भी हमें काम किया यहाँ तक पहुँचाने के लिए uh, और एक चीज़ मैं डेफ़िनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा आपको कैसे लगता है आइडल्स काफ़ी नो लाइक प्रॉम्प्ट है फीडबैक्स के तौर पर ओके okay? बिकॉज मुझे याद है एक स्टाइल में जब आप आए थे स्टार्ट में ओके okay, थोड़ा सा आप डिसटिस्फाइड थे लेकिन वहाँ पे अपना आपका फ़ीडबैक दिया एंड हमने वो इमिडियट एक्शन लेके आपको और एक्स्ट्रा देने की कोशिश की ठीक है डेफ़िनेटली uh, देखो पॉडकास्ट में हम लोग ऐसी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जितना हम लोग जेन्यून रहे उतना यू uh, नो uh, हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं उनको भी पता चल रहा है कि आइडल्स कितना जेन्यून एंड ऑथेंटिक वे में वर्क करती है ठीक है वन इज़ परफेक्ट लेकिन हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं so, सो एक फीडबैक जो आपने दिया था राइट right? ओके okay? उसके अगेंस्ट uh, आपको हमारा इमिडियट एक्शन का तरीका कैसा लगा बिकॉज हमने आपको इमिडियटली कर, रिप्लेस करके दिया साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा एक सेशन प्रोवाइड किया उस चीज़ को लेके ठीक है सो so, फीडबैक को लेके कैसा आपका नो लाइक हमारा जो इमीडिएट एक्शन है तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? आ, हर एक मतलब स्टूडेंट को फीडबैक देने का अथॉरिटी है exactly. में तो आ, मेरे को जो चीज़ें लैक कर रही थी कोई चीजें थोड़ी सी दिक्कत आ रही तो मैंने फीडबैक दिया था आइडल्स को तो मतलब इतना इमीडिएट एक्शन लिया था ना उस पर मतलब वह सेटिस्फाई हो रहे थे हर स्टूडेंट सेटिस्फाई हो रहे थे क्योंकि अगर स्टूडेंट को सही नहीं मिल रहा है तो सही कैसे मिलेगा सही कैसे सही नॉलेज के साथ टीचिंग के साथ स्टूडेंट को कैसे ग्रोथ करना है आइडल्स बहुत ध्यान रखता है इस चीज़ को और आइडल्स का पूरा फोकस यही रहता है कि स्टूडेंट हंड्रेड जो यहाँ से सैटिस्फाई होके ही जाए अगर यहाँ से बाहर पढ़ रहा है तो कहीं भी लैक ना करे और कहीं भी मतलब निगेटिव माइंड में थिंकिंग ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए जो भी है आपके सामने है टीचिंग नॉलेज एक्सपीरियंस जो भी चीज़ें आपके सामने है, और आइडल्स बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट को ग्रो करने में पर्सनली और आप एज अ क्लास में नहीं uh, आप ड्यूरिंग द क्लास भी नहीं ड्यूरिंग द क्लास के बाहर भी आप टीचर के साथ बात कर सकते हो और जो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो आइडल्स और टीचर बहुत हेल्प करते हैं आगे जाने में और बहुत सपोर्टिव स्टाफ है इधर आइडल्स का और टीचिंग तो मतलब बहुत अच्छा है और पर्सनली सर आपके बारे में बोलूँ बोलना चाहूँगा सीज़न सर आप तो मतलब आ, एक आ, मतलब आप ना आप ना मेरे लिए इधर हो मतलब अभी मतलब आ, आपका जो टीचिंग करने का मेथड है आप इतना मतलब इतने स्टूडेंट को पूरा आइडल्स को हैंडल करते हो इतना अच्छे से हैंडल करते हो हर एक स्टूडेंट का अलग हर एक अलग अलग माइंड होता है हर एक बोलने का तरीका होता है कोई स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी बोलते कम भी बोलते कोई रूडली भी बात करता है लेकिन रूडली तो कोई बात नहीं करेगा आपसे लेकिन आप इतने पेशेंस रखे हो उनको कामली आंसर देते हो ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे पर्सनली बहुत अच्छे बहुत इंस्पायर हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच महेश थैंक यू नो मेरा ट्रेनिंग मेथड्स को अप्रिशिएट uh, करने के लिए ये भी कहीं ना कहीं मेरी मेरा लर्निंग्स है मेरी टीचिंग ने मुझे हेल्प किया है मैं कैसे और बेटर टीचर बन सकता हूँ मेरे दस बारह साल के एक्सपीरियंस ने मुझे यहाँ पे लेकर आया सो थैंक यू वंस अगेन एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि uh, आप जैसे स्टूडेंट्स को मुझे ये सिखाने का मौका मिल रहा है जो ऑलरेडी uh, एक टीचर है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं ओके okay? सो so, एक लर्निंग मतलब सिर्फ uh, आपके साइड से नहीं लर्निंग मेरे साइड से जहाँ पर मैं भी सीखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स से वो भी मुझे काफ़ी हेल्प करता है ओके सो कमिंग बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ़ द पॉडकास्ट हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है uh, सो so, जितना भी आपने अभी एक्सपीरियंस किया राइट right? हमारा हर एक ट्रेनिंग हर एक चीज को लेके, सो so, ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ओके okay, करने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेनिंग है आज के ज़माने में कितना ज़रूरत है डांसर्स के लिए सर हंड्रेड परसेंट जरूरी है अगर कोई डांसर अगर सोच रहा है ना कि मैं डांस ये सब स्टाइल सीख के मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो ये बहुत रॉन्ग थिंकिंग है अगर डांसर को अगर अपना माइंड ओपन करना है अपनों डांसिंग स्किल को लेके कैसे आगे बढ़ना है तो उन्हों को मतलब एक आइडल सी है जो ऐसा एक कोर्स डिजाइन किया है पी पी के थ्रू जो बच्चों के मतलब जान डाल देता है अपने मतलब जो बच्चों को ग्रो करने में उनका माइंड खोलने में हेल्प कर रहा है आइडल्स तो मुझे लगता है कि हर बिगनर डांसर या जो डांसर है इंटरमीडिएट डांसर एडवांस लेवल है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उनको एक बार आइडल ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ वहाँ वहाँ किधर लैक कर रहे या किधर रुक र, रुक रहे होंगे ना तो उनको एक रास्ता मिल जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगा कि ऐसे डांसर को आइडल्स में आना ही चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा कोर्स या ऐसा मतलब ऐसे प्रोग्राम किसी ने और अभी तक इंडिया में कहाँ डिज़ाइन नहीं किया है जो आइडल्स एक एक बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है कि को 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 मतलब डांसर डांसर कैसे आगे जाना चाहिए और और वो चीजें भी भी नहीं और किसी फील्ड में काम आ सकती है ऐसी तो डेफिनेटली उनको सबको यहाँ एक बार तो आना ही चाहिए अगर वो लैक कर रहे तो किया कि अगर इन केस बाई चांस आगे जाके आप सोचते भी हो सोच मैं अपने कर को, स्विच करूँ लेकिन फिर भी वहाँ आपको जो भी फील्ड में आप जाओगे उधर भी आपको ये चीज़ें काम में आने वाली हैं ओके सो थैंक यू सो मच महेश नो ये कॉन्वर्सेशन का पार्ट रहने के लिए पॉडकास्ट का पार्ट रहने के लिए बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के आपका ग्रोथ जान के एंड थैंक यू सो मच यू नो आपका ट्रस्ट रखने के लिए आइडल्स पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप इतना फेथ लेकर आए इतने दूर से आप आपका हर एक चीज़ वहाँ पे छोड़ के आए हो यहाँ पे सिर्फ डेडिकेशन के साथ आपके सीखने के लिए एंड आप उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हो बहुत अच्छे से जो कि बहुत ज़रूरत एक स्टूडेंट वाइज आप हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करो रहे जहाँ जहाँ से एंड मैं एज अ टीचर जस्ट यही विश कर नो प्रे करूँगा कि आप यू नो और ग्रो करें एंड आपको जो भी स्टूडियो जहाँ पे आप रन कर रहे हो उसको आप और आगे तक बढ़ाएं ठीक है एंड okay. और बच्चों को आप ट्रेन करें उनको क्वालिटी नॉलेज दे एजुकेशन दे जिससे उन लोग भी इंस्पायर होए कि डांस में हम लोग कुछ कर सकते हैं